स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ एंडी में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट फलक इरफान। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब मुफ्त बिजली देने के बहाने पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने की फिराक में हैं। अब भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब वासियों को अगर हमारी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में पंजाब में अपनी सरकार बनाती है तो वहाँ के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त दिया जाएगा। 300 यूनिट, दिल्ली के लोगों को तो सिर्फ 200 यूनिट ही मुफ्त दिया जाता है। 24 घंटे पंजाब में बिजली आएगी और साथ ही साथ जितने भी लोगों के पुराने बिल पेंडिंग होंगे उन्हें माफ़ किया जाएगा। अब भाई अरविंद केजरीवाल जी अपने इस चुनावी वादे में खुद ही उल्टा फंस गए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या पंजाब में आप 300 यूनिट इस तरह से देंगे कि 300 यूनिट के ऊपर का जो बिल आएगा वो आप फ्री में देंगे या फिर 300 के ऊपर बिल बढ़ते ही लोगों को पूरा पैसा चुकाना होगा। अब भाई दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वासी तो 200 यूनिट एक एक यूनिट देखकर जो है वो अपना कैलकुलेशन करते हैं और अपने पूरे दिन की बिजली को वो कैलकुलेट करके रखते हैं। बस पत्रकार की इस बात पर अरविंद केजरीवाल जी घर दबोच लिए गए और उन्होंने पहले तो जवाब दिया कि नहीं, पंजाब में भी दिल्ली की ही तरह 300 यूनिट के ऊपर बिल बढ़ते ही लोगों को पूरा बिल देना पड़ेगा। तो भाई आप जानते होंगे पंजाब में पहले ही कई कैटेगरी के परिवारों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जा रही है और ऐसे में 200 यूनिट के ऊपर कोई भी यूनिट बढ़ने से उनको 200 यूनिट मुफ्त ही रहता है। सिर्फ उन्हें ऊपर के जितने यूनिट्स आते हैं उस लिमिट के पैसे भरने पड़ते हैं। तो बस क्या था, अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा परेशान हुए, थोड़ा हैरान हुए और बाद में उन्होंने बोला है कि नहीं भाई, अगर हम पंजाब में अपनी सरकार बनाते हैं तो हम पूरे 300 यूनिट हर किसी को मुफ्त देंगे। लेकिन ऐसे में शिरोमणि अकाली दल के छात्र संघ के यूनियन के लोग अब उनका बहिष्कार कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि पहले आप अपने राज्य दिल्ली के कारोबारियों की समस्याएं तो सुलझा लीजिए, पहले उन्हें तो मुफ्त में बिजली दे दीजिए। बस अब देखना ये है कि क्या 2022 में मुफ्त बिजली का ये लालच पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाता है या नहीं। वैसे अरविंद केजरीवाल जी ने किसान आंदोलन में समर्थन देकर कहीं ना कहीं लोगों की थोड़ी सी सहानुभूति तो प्राप्त की है।